हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी यजदी रोडस्टर है, इसको परचेज़ किए हुए हमें अप्रोक्स 5 महीने हो गए हैं, हालांकि कंप्लीट नहीं हुए हैं, बस कुछ ही दिन में 5 महीने हो जाएंगे। तो उस बेस पे जो हमारा इसके साथ राइड एक्सपीरियंस रहा है, उसका एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग इसको परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को पसंद भी है। काफ़ी लोगों का मेरे पास जो अपनी यजदी रोडस्टर की पुरानी वीडियोस थी उन पे काफ़ी वीडियोस पे कमेंट भी आया था, कुछ भाइयों का मेरे पास मैसेज भी आया था, तो उनका कुछ डाउट है इस बाइक को लेके, तो उस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं एंड जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ उसका भी एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं, चलते चलते आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जैसे बाइक को स्टार्ट किया है तो जो बाइक का सेल्फ है, सेल्फ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है। मतलब नॉर्मली अपनी अभी जो भी काफ़ी बाइक्स आती हैं उनमें एक हल्के से सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बाइक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए जो अपना सेल्फ है, सेल्फ को थोड़ा सा लंबा लेना पड़ता है अपने को। एंड जो राइड क्वालिटी है उसके बारे में अगर बात करें तो भाई सीटिंग पोस्चर तो एक्सट्रीम लेवल परफेक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, सिर्फ ऊपर के हिस्से की, बिकॉज नीचे वाले हिस्से की मैं और आगे बताने वाला हूँ अभी आपको। अगर ऊपर के हिस्से की बात करें जैसे रिस्ट पेन या फिर बैक पेन, नेक पेन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस बाइक में आपको राइड करते टाइम। लेकिन एक क्रूजर बाइक है, क्रूजर टाइप से बाइक को बनाया गया है, तो जो फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट थोड़ा सा ऐसे देना चाहिए था कि जैसे थोड़ा आगे की साइड में फुटरेस्ट अगर दिए हुए होते तो शायद ज़्यादा परफेक्ट रहता लॉन्ग राइड्स के टाइम पर। लेकिन इस बाइक में जो फुटरेस्ट दिए गए हैं वो थोड़ा पीछे की साइड में दिए गए हैं, जैसे एक नॉर्मल स्पोर्ट बाइक में होते हैं उस टाइप के फुटरेस्ट इस बाइक में आपको दिए गए हैं। एंड साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, मैंने ये चीज़ पिछली वीडियोस में भी क्लियर की है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यूअर अपनी वीडियो देखने के बाद इस बाइक को अगर परचेज़ करता है तो कुछ भी आगे वो फ्यूचर में कंप्लेन करे कि भाई ऐसा था, तुमने ये नहीं बताया, हमें ये प्रॉब्लम हो गई, हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो भाई जो बाइक की क्लच है, क्लच काफ़ी हार्ड है, तो सिटी में राइड करते टाइम अगर आप इस बाइक को परचेज़ कर लेते हो डेली यूज़ के लिए, तो सिटी में राइड करते टाइम आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। सिटी में आप इस बाइक के साथ ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे। कुछ दिन जब तक आपके पास बाइक नहीं रहेगी तब तक आप इस बाइक के साथ एंजॉय करोगे, लेकिन जैसे जैसे डेली यूज़ में आने लग जाएगी बाइक तो उसके बाद एक ना एक टाइम पे आप इससे परेशान हो जाओगे। क्लच काफ़ी हार्ड है तो वो आपको डेफिनेटली परेशान करेगी, बिकॉज हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है जब आप बार बार क्लच प्रेस करते हो हैवी ट्रैफिक में, या फिर सिग्नल पे, जो ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे भी आप जब बाइक रोकते हो क्लच को प्रेस करके रखते हो थोड़ी देर, तो भाई आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम उसमें होने वाली है। उसके अलावा बाइक की इंजन क्वालिटी की अगर बात कर लें तो बाइक का जो इंजन है वो थोड़ा हार्ड है, मतलब आप जब चलाते हो तो ऐसा फील होता है, थोड़ा रफनेस टाइप फील होता है, लेकिन लॉन्ग राइड के टाइम पे जब आप हाईवे पे बाइक को चला रहे होगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बाइक के साथ, क्योंकि बाइक में पावर बहुत ही ज़्यादा दी गई है। तो हाईवे पे राइड करते टाइम आपको ये बाइक शायद थोड़ा खुश कर देने वाली है, बिकॉज नॉर्मल जो भी इसके सेगमेंट की बाइक्स हैं उन बाइक से काफ़ी ज़्यादा पावर है इस बाइक में, तो डेफिनेटली बात है यार ये तो खुश करेगी आपको, पावर बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस करती है। तो जो ट्रैफिक होगा या फिर आपको इंस्टेंट जब पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बाइक एक स्पोर्ट बाइक की तरह आपको पावर प्रोड्यूस करेगी उस टाइम पे। तो दोस्तों, इसके अलावा ये जो भी कुछ छोटी मोटी बातें थी बाइक में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है एंड कुछ एक दो जो नेगेटिव पॉइंट्स है बाइक के वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो अभी तक जैसे लगभग 5 महीने हो गए हमें बाइक को परचेज़ किए हुए, तो अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है बाइक के साथ, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई अभी रिसेंटली तो काफ़ी दिनों से हम बाइक को थोड़ा कम ही चला रहे हैं, बिकॉज कोई भी अभी फ़िलहाल बाहर की ट्रिप नहीं प्लान की हमने, तो बाहर जाना नहीं हो रहा, तो उस टाइम बाइक लगभग घर पे खड़ी रहती है, कभी कभार ही इस बाइक को चलाते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने बाइक से लॉन्ग राइड भी की है, मैंने सिटी में भी चलाया है, अभी भी सिटी में मैं बाइक को चला रहा हूँ। तो जो मेरा ओवरऑल रिस्पॉन्स है इस बाइक को लेकर वो ये है कि भाई आप इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो अगर आप एक टूर के हिसाब से, मतलब लॉन्ग राइड्स के हिसाब से अगर इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिटी राइड के लिए, मतलब डेली पर्पज़ के लिए अगर बाइक को परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो भाई इस बाइक को आप अवॉइड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज शुरू के कुछ दिन ही आप इस बाइक के साथ एंजॉय कर पाओगे। मैंने भी सिटी में शुरू में जब मैं लेके आया था तो शुरू में हमने काफ़ी दिन चलाई थी, मतलब
जब भी इधर उधर घूमने जाते बाहर भी निकलते थे तो नई नई बाइक थी तो थोड़ा शौक होता है तो इसी बाइक को चलाते थे, लेकिन सिटी ट्रैफिक में ये हमें परेशान कर देती थी, डेफिनेटली परेशान कर देती थी। तो अगर डेली पर्पज़ के लिए आप लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको मना करना चाहूँगा कि इस बाइक को डेली पर्पज़ के लिए मत लो, लेकिन अगर लॉन्ग राइड के लिए आप बाइक परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ अ बेटर चॉइस, काफ़ी अच्छी चॉइस है, मतलब पावर में भी एंड जो बाइक का लुक है लुक में भी थोड़ा एट्रैक्टिव लगती है। नॉर्मल जो भी इसके सेगमेंट की बाइक्स हैं उन सभी बाइक्स की कंपैरिजन में इसका जो लुक है वो थोड़ा एट्रैक्टिव टाइप लगता है, तो आप उस चीज़ के लिए इस बाइक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, उस चीज़ में कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है, उस चीज़ से आप बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए इस बाइक को परचेज कर लेते हो तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हो इस बाइक के साथ, तो आप लॉन्ग राइड्स के लिए डेफिनेटली इस बाइक को परचेज कर सकते हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक की जो एक्सीलरेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड जो बाइक का ब्रेकिंग है ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है बाइक की। तो दोस्तों जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था वो यही है कि भाई डेली पर्पज़ के लिए इस बाइक को परचेज ना करें, एंड अगर लॉन्ग राइड के लिए आप बाइक परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होने वाला है, आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।